ओम शांति। आज 13 अगस्त 2021 की मुरली सुनाने के लिए हम बाप दादा का आह्वान करते हैं। सबसे पहले उन्हें बुलाते हैं। 2 मिनट। ओम शांति। मेरी आवाज ठीक आ रही है ना? शांति। हाँ जी, हाँ दीदी। आज बाप दादा कहते हैं, मीठे बच्चे, मन मना भव की ड्रिल सदा करते रहो तो 21 जन्मों के लिए रुष्ट पुष्ट यानी निरोगी बन जाएंगे। प्रश्न है आज का, सतगुरु की कौन सी श्रीमत पालन करने में ही गुप्त मेहनत है? बाबा ने उत्तर दिया है, सतगुरु की श्रीमत है मीठे बच्चे, इस देह को भी भूल कर मुझे याद करो, अपने को अकेली आत्मा समझो, देही अभिमानी रहने का पुरुषार्थ करो, सबको यही पैगाम दो कि अशरीरी बनो, देह सहित देह के सब धर्मों को भूलो तो तुम पावन बन जाएंगे। इस श्रीमत को पालन करने में बच्चों को गुप्त मेहनत करनी पड़ती है। तकदीरवान बच्चे ही यह गुप्त मेहनत कर सकते हैं। तो बाबा ने सबसे पहले हमें फिर से आज याद दिलाया, मन मना भव की ड्रिल। ऐसे बाप दादा कहते हैं कि अपने पुरुषार्थ को वैरायटी पुरुषार्थ करो ताकि बोर नहीं हो जाए। लेकिन ड्रिल, हमें सबको पता ही है, ड्रिल रिपीटेशंस होता है ना, रिपीट करते रहते हैं। तो क्या मन मना भव की ड्रिल से बोर नहीं होंगे? ऐसे भी जानते हैं आत्मा, एक ही एक चीज करते करते हम बोर हो जाते हैं। तो मन मना भव की ड्रिल, जो कि रिपीटेशन है, वो हमें कैसे निरोगी बनाएगी, कैसे हमें वो फायदा करेगा, ये बताइए। ड्रिल जो रिपीटेशन है, क्या हम उससे बोर नहीं हो जाएंगे? क्या वो हमें फायदा करेगा, या उल्टे हम उससे बोर होके हम उसे छोड़ देते हैं? क्या करते हैं हम, कौन बताएंगे? नीमा बहन, संदीप भाई बताइए, सोनी बहन। हाँ, एक्चुअली सही मन मनावा मुझे तो मेरे हिसाब से तो ये ऐसा, मतलब हम बार बार हमको याद जरूर दिलाते हैं क्योंकि हम बार बार भूल जाते हैं। मगर ड्रिल, इवन दो मन मनाव की ड्रिल, मुझे ये भी लगता है कि हम चाहे मंथन भी कर रहे हैं तब भी वो मन मनाभव ही है मेरे हिसाब से। तो
चाहे मैं आत्मा समझ अपने आप को वैसा बाबा के साथ कनेक्ट करता हूँ तो भी मन मनावा भी है। तो ऐसा स्पेसिफिक नहीं है कि मैं सिर्फ उस समय बाबा को याद कर रहा हूँ। मुझे लगता है कि मैं जब मंथन भी कर रहा हूँ, जब मेरे को लग रहा है कि मैं बाबा मेरा साथी है, तो मतलब मन मना भाव ऐसा, इवन दो वर्ड बार बार आता है, मगर मुझे ऐसा लगता है कि मेरा मन जब जब मंथन करता है या जब जब बाबा की कोई बात समझने की कोशिश करता है, चाहे हम लोग साइंस भी समझ रहे थे, तो मुझे मन मना भाव हर जगह लगता है। मतलब ऐसा स्पेसिफिक ड्रिल सकता है ना। अच्छा, नहीं लगती है। हाँ जी, हाँ जी। और कोई शेयर करेंगे मन मना भाव कैसे करते हैं वो? कैसे हम बाबा की याद में रहें ताकि वो हमें बोर ना करे या हम उसे एक जैसा समझ के छोड़ देते हैं। शांति, हम इसमें पहले तो ये समझ सकते हैं कि सोनी बहन आपकी रोगी आवाज कौन कम आ है। रही है। आवाज कम आ रही है? हाँ थोड़ा नेटवर्क इश्यू है। अब आवाज अभी ठीक है? ठीक है, बहुत अभी अब अच्छी आ रही है। हाँ अच्छी आ रही है सोनी बहन। बोलिए सोनी बहन। आवाज नहीं आ रही आपकी सोनी बहन। कृष्णा जी, आप बोलिए। मन मना भाव। बाबा कहता है कि बुद्धि से तो बाबा को याद करते हैं, लेकिन जब बाबा में मन लगाते हैं तो मन में खुशी आती है, क्योंकि बाबा शांति का सागर, आनंद का सागर, प्रेम का सागर है। तो जो सागर की लहरें जब मेरे मन को टच करती हैं तो मेरा मन प्रफुल्लित और खुश हो जाता है। उस मन को प्रफुल्लित और खुश होने की वजह से मुझे हर समय जब भी मैं बाबा को याद करती हूँ मैं आत्मा, तो मेरे में नवीनीकरण अपने आप आता है। और जब मैं खुश होती हूँ, मेरा मन खुश होता है, तो उस मन की वजह से मेरी काया, मेरी बॉडी और मेरी बॉडी के सारे हार्मोन्स भी खुशी वाले हार्मोन्स होते हैं, तो मुझे इससे निरोगी काया भी मुझे मिलती है। तो एक चीज तो ये हो गई। दूसरा, बाबा ने बोला है कि हृष्ट पुष्ट निरोगी बन जाएंगे 21 जन्मों के लिए, क्योंकि बाबा अभी हमें 21 जन्मों का वर्षा देने आया है। आज की ड्रिल, आज का मेरा मन बाबा में लगाने का फायदा मुझे 21 जन्मों तक होता है, क्योंकि जैसे ही आत्मा शरीर को छोड़कर बाबा को याद करती है, शरीर से जब पृथक होती है, अलग होती है, तो ये शरीर में अपने आप ही एक शांति का, कहते हैं, एकदम से सागर आ जाता है, क्योंकि आत्मा जैसे ही अलग होती है तो ये शरीर भी रिजेनरेट होता है और आत्मा भी रिजेनरेट होती है। और प्लस जब आत्मा बाबा से रिजेनरेट होकर वापस शरीर में प्रवेश करती है तो डबल इफेक्ट आता है और इसकी काया निरोगी हो जाती है। और क्या कृष्णा दीदी, जैसे वही श्वेता बहन जैसे बोल रहे हैं कि आपने बोला भी कि नवीनीकरण होता है जब हम बाबा को याद करते हैं, तो वो नवीनीकरण कहाँ आता है, किस तरह से, वो थोड़ा सा बोलिए ना। नवीनीकरण कैसे आता है? क्योंकि हमें बाबा से हर पल एक जैसा ही तो इफेक्ट नहीं मिलता। बाबा कभी शांति का हमें महसूसता कराता है, कभी शक्ति की महसूसता कराता है, कभी आनंद की महसूसता कराता है, तो उससे हमें अलग अलग अनुभव प्राप्त होते हैं, तो वो अपने आप ही नवीनीकरण हो जाता है मेरे ख्याल से। ऐसा क्या हमें अपने आप ही महसूसता आती है? क्या हमें खुद अपना कुछ एफर्ट करना पड़ता है? क्योंकि ऐसे सबको मुझे नहीं लगता कि अनुभव होता होगा नवीनीकरण का, क्योंकि तो वही है कि हम यही ड्रिल जो बाबा ने बताई है, वो ड्रिल को हमें, जैसे अगर किन्हीं को लगता है कि हम उसे ड्रिल समझते हैं तो हम एक जैसा ही पुरुष वो हो रहा है, एक जैसा ही याद करने का तरीका हो रहा है, तो हमें स्वयं से, मुझे लगता है कि उसको नवीनता लेके, नवीनता के साथ बाबा के साथ जब बैठेंगे
तो है तो वो मन मना भावी, चाहे जैसे संजय भाई ने कहा कि जब भी हम मंथन भी कर रहे हैं और कुछ बाबा की बुक्स पढ़ रहे हैं, कुछ और भी पढ़ रहे हैं, जैसे अभी हम पैम्पलेट्स का भी वो कर रहे हैं, तो उसके अंदर जो भी हम पुरुषार्थ कर रहे हैं वो मनमना भाव में ही आएगा। और बाबा को याद करने का भी तरीका, तो हम अपने अंदर ही बाबा से नए नए अनुभव करने के लिए जब बैठेंगे तो बाबा नए नए अनुभव कराएंगे, और मनमना भाव में नवीनीकरण भी होगी और वो ड्रिल भी होगी। ड्रिल से जैसे शरीर में ताकत आती है, वैसे ही आत्मा में ताकत आने की वजह से आत्मा भी हृष्ट पुष्ट हो जाएगी और साथ साथ शरीर भी साथ देगा हमारा। हाँ श्वेता बहन सही है, क्योंकि मन जब याद करता है बाबा को तो एक ही अभ्यास से याद नहीं करता है, क्योंकि मन जिस स्थिति में जिस कंडीशन में जिस समय होगा याद की स्थिति में, तो वो स्थिति भी तो अलग होगी। दिन भर में 24 घंटे में हमारे मन की स्थिति एक जैसी नहीं रहती हाँ है, अलग अलग रहती है। तो अलग अलग उस स्थिति में जब हम बाबा को याद करते हैं तो उसी स्थिति का हमें अनुभव होता है। जब भी हम कभी हम संबंधों से जैसे परेशान है उस समय बाबा से कोई संबंधों में याद करेंगे तो संबंध का हमें अनुभव होगा। कोई हमारी परिस्थिति ऐसी आ रही है जिसमें हमको हमारा शरीर बीमार है, तो अगर उस वाली स्थिति में बाबा को याद करेंगे तो हाँ हमारे को ड्रिल भी बाबा से, करते हैं, एवर हाँ जस्ट मिनट वाला करते हैं, ट्रैफिक कंट्रोल, ये सब हाँ हमें हाँ हाँ नवीनीकरण से करेंगे तो बोर नहीं होंगे। नवीनीकरण, बिल्कुल चलिए बिल्कुल आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है बाबा का, जो बाबा ने बताया कि गुप्त मेहनत करनी है, तो मुझे थोड़ा सा ये सवाल आया कि बाबा गुप्त कहता है लेकिन क्या ये वाकई में गुप्त है? क्योंकि बाबा से, जब बाबा कहते हैं ना कि मुझसे पूछो कि तुम्हें क्या पद मिलेगा तो मैं बताऊंगा, इसका मतलब हमारा पुरुषार्थ तो गुप्त नहीं है, बाबा से भी नहीं है और हमारे अंदर से भी गुप्त नहीं है। हम भी जानते हैं कि हम कितना पुरुषार्थ कर रहे हैं, तो थोड़ा ये क्वेश्चन आया कि गुप्त फिर क्या चीज से है, किससे गुप्त है, क्यों गुप्त, बाबा इसे गुप्त क्यों कहते हैं, तो बताएंगे कोई? गुप्त पुरुषार्थ क्यों कहते हैं इसे? गुप्त मतलब छुपा हुआ, लेकिन छुपा हुआ तो किसी से भी नहीं है, ना हमसे छुपा है ना बाबा से छुपा है। ओम शांति दीदी। हाँ जैसे दीदी मैंने अपना जैसे प्रैक्टिकल मैं अनुभव बताऊं कि क्या होता है कि जब आप कोई किसी तरह का एक पर्टिकुलर आप कर रहे होते हैं पुरुषार्थ, तो उससे बहुत प्राप्ति होती है और एक अलग तरह का अनुभव बाबा कराता है। तो मैंने क्या देखा, जब मैं उसको किसी को बोल देती हूँ ना कि मैं ऐसे कर रही हूँ तो मुझे ऐसी प्राप्ति हो रही है, तो नेक्स्ट डे से ना तो वो प्राप्ति होती है और ना वो पुरुषार्थ हो पाता है। तो एक बारी मैंने सूरज भाई की क्लास में सुना था कि जो दादी थी गुलजार दादी जब चले गए तब बोल रहे थे वो कि वो हमेशा ऐसे करती थी वैसे करती थी, उनके पुरुषार्थ को बता रहे थे। तो कह रहे थे कि लेकिन उनका जो मेन पुरुषार्थ है ना वो तो वही आत्मा जानती थी, क्योंकि तो महारथी कभी भी अपने पुरुषार्थ को उजागर नहीं करते हैं। एग्जैक्ट वर्ड तो उनके शायद अलग थे, लेकिन उन्होंने यही बताया था कि महारथी आत्मा कभी भी अपने पुरुषार्थ को बताती नहीं है कि वो क्या करती है। तो हमने तो दीदी कम से कम 100 बार ये अनुभव किया है कि अगर हमने अमृत वेला में अच्छा लग रहा है हमें और हमने दो लोगों को बोल दिया तो नेक्स्ट डे से हमारा अमृत वेला ही नहीं होता है, हम उठ ही नहीं पाते हैं। ये तो हमने भी फील किया। तो मतलब ना, गुप्त रखें। हाँ मतलब गुप्त मतलब अन्य आत्माओं से गुप्त, राइट श्वेता बहन? तो हम बोल रहे थे जैसे बाबा को तो मालूम है, हमको मालूम है, तो आई हाँ थिंक अन्य आत्माओं से गुप्त की बात ऐसे लग रही है, जैसे और भी बुला तरह से दीजिए। हो सकता है गुप्त, लेकिन ये एक इसका पॉइंट मुझे ऐसे समझ में आया, और भी बहुत तरीके से बाबा कहना चाह रहा है शायद। इस पे हम लोग मंथन कर सकते हैं कि गुप्त किस किस तरीके से मेहनत होती है, जो मेहनत हम करते हैं वो गुप्त कैसे है। एक चीज मेरे भी जैसे सोच में आ रही थी कि क्या ये गुप्त नहीं कहेंगे कि जैसे हम कर्म कर रहे हैं, हम 100 के बीच में बैठे हुए हैं, 100 अन्य आत्माएं हमारे साथ बैठी हुई है, लेकिन हम उस समय भी उन आत्माओं के बीच होते हुए भी हम बाबा को याद कर रहे हैं और मुस्कुरा रहे हैं, जैसे कि हमें बाबा की फीलिंग आ रही है, तो
वो लोग जैसे आश्चर्यचकित भी होते हैं, ये पता नहीं क्यों हंसते रहते हैं, कहाँ इनका दिमाग होता है, कहाँ क्या होता है। तो क्या इसको भी गुप्त पुरुषार्थ कह सकते हैं? गुप्त पुरुषार्थ है या ये तो अनुभव हाँ दीदी, ये भी गुप्त है? पना ही तो है हमारा, कि लोग तो जानते ही नहीं है कि उनके बगल में होने वाले देवता बैठे हैं। ये भी तो गुप्त पना ही है ना हमारे जीवन का। हम अंदर ही अंदर क्या क्या कर रहे हैं लोगों को पता ही नहीं है, ये भी एक उसका उदाहरण है। चलिए हम इसी में सोचेंगे कि गुप्त मेहनत क्या क्या है। आगे बढ़ते हैं। ओम शांति शांति बाप दादा। बच्चे बैठे हैं अपने भाई और बहनों को ड्रिल सिखलाने। यह कौन सी ड्रिल है? इसमें बच्चों को कुछ कहना नहीं होता है, वह तो जिस्मानी ड्रिल आदि करते हैं उसमें तो कहना पड़ता है। यह तो सुप्रीम टीचर है, जो गीता का भगवान भी है, जो बच्चों को बैठ योग की ड्रिल भी सिखलाते हैं। यह ड्रिल भी गुप्त है। म्यूट कर लीजिए ना, कौन कृष्णा बहन, म्यूट कर लीजिए ना, सॉरी आवाज बहन, आ सॉरी रही। सॉरी बहन, सॉरी। ड्रिल सिखाई इसलिए जाती है कि स्टूडेंट रुष्ट पुष्ट यानी हेल्दी हो। तुम बच्चे जानते हो कि इस मन मना भव की ड्रिल से 21 ऊपर बढ़ाइएगा, 21 जन्मों के लिए बहुत रुष्ट पुष्ट होंगे, कभी बीमार नहीं होंगे। तो यह कितनी अच्छी रूहानी ड्रिल है। बाप समझाते हैं मन मना भव इसमें कहने की भी दरकार नहीं है, ना इसमें हमें कुछ करना है, ना इसमें कुछ हमें, जैसे भक्ति में कितने कर्म कांड होते हैं, सब अंदर ही अंदर की बात है। ये कुछ भी ना कहना ना बोलना ना कुछ दिखाना, सब मन में ही चलता है। इस वजह से ये गुप्त है। सिर्फ समझाया जाता है कि अपने को आत्मा समझो, देही अभिमानी भव। भव का अर्थ ही है कि तुम बाप को याद करो तो एवर हेल्दी बन जाएंगे। आज बाबा ने भव का अलग मीनिंग बताया है कि तुम बाप को याद करो तो एवर हेल्दी बन जाएंगे। कल पहले भी हम इस रूहानी ड्रिल से एवर हेल्दी बने थे। रूहानी ड्रिल रूहानी बाप परम पिता परमात्मा शिव ही सिखलाते हैं। भगवान तो उनको ही कहा जाता है जिनकी पूजा भी होती है। शिवाय नमः भी कहते हैं ना, ब्रह्मा देवता नमः, शिव परमात्माएं नमः कहेंगे। यह ड्रिल कोई जिस्मानी मनुष्य नहीं सिखलाते हैं। ऐसे नहीं कि तुमको यह ड्रिल ब्रह्मा ने सिखाई है, नहीं। भल ब्रह्मा कुमार कुमारियां कहलाते हो, परंतु चिट्ठी पर भी लिखते हो शिव बाबा केयर ऑफ ब्रह्मा। यह तो गुप्त हो गया, वह तो गुप्त हो गया। लेकिन मनुष्यों को कैसे पता पड़े? ब्रह्मा तो प्रजापिता है, तो सारी दुनिया उनके बच्चे हैं, प्रजापिता है ना। ड्रिल सिखलाने वाला तो निराकार बाप है, वह गुप्त है। गुप्त होने के कारण मनुष्यों को समझने में भी डिफिकल्टी होती है। सिखलाने वाला बाबा भी गुप्त है और जो सीख रहे हैं वो आत्माएं भी इनकॉग्निटो है, गुप्त है। ब्रह्मा को तो भगवान नहीं कहा जाता, यहाँ नाम ही दिखाते हैं। ब्रह्मा कुमार कुमारियां अर्थात ब्रह्मा की संतान। जब कोई आता है तो उनको समझाना है कि यह नई दुनिया रचने वाला ब्रह्मा नहीं है लेकिन निराकार बाप है।
जो ब्रह्मा द्वारा रचना रचते हैं। पारलौकिक परमपिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा रचते हैं, गोया सुप्रीम सोल की रचना हुई। तुम पत्र के ऊपर लिखते हो शिव बाबा केयर ऑफ ब्रह्मा, तो यह भी याद करने की युक्ति है। शिव बाबा सिखलाते हैं ब्रह्मा द्वारा, बस सिर्फ कहते हैं मन मना भव और कोई तकलीफ नहीं दी जाती। सिर्फ कहा जाता है कि तुम अपनी उन्नति चाहते हो और सचखंड का मालिक बनने चाहते हो, तो सचखंड स्थापन करने वाला तो एक ही सत्य बाप है, उसे याद करो। बेहद का बाप ही आकर बच्चों को कहते हैं कि मुझे याद करो तो पापों से मुक्त होंगे। बाबा यहाँ ये कहना चाह रहे हैं कि शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा जो प्रत्यक्ष है दिखाई दे रहे हैं, वो और उनके अंदर बैठे हुए शिव बाबा जो गुप्त हैं, उन दोनों में हमें क्लियर डिफरेंस होना चाहिए। सिखाने वाला कौन है? शिव बाबा। और किनके द्वारा सिखा रहे हैं? वो है ब्रह्मा बाबा। और सीख रही हैं हम सब आत्माएं। तो ये क्लैरिटी बाबा यहाँ पर बताना चाह रहे हैं। बेहद का बाबा ही आकर बच्चों को कहते हैं कि मुझे याद करो तो पापों से मुक्त होंगे। कृष्ण को पतित पावन नहीं कहा जाता है सिवाय परम पिता परमात्मा के, और कोई नाम नहीं लेंगे। लेकिन भक्ति में तो देखते हैं कि कृष्ण को ही कहा जाता है पतित पावन भी कहेंगे उसको, पापों से मुक्त करने वाला है, परम धाम में रहने वाला है। तो हम कैसे दूसरों को बताएंगे कि परमपिता परमात्मा ही पतित पावन है और कृष्ण ही है? क्या कोई शेयर करेंगे ये पॉइंट कि कैसे हम किसी को बताएं कि कृष्ण पतित पावन नहीं है? सोनिया बहन आप बताएंगे? जी अभी आपने सजाया भी ना लड्डू गोपाल को इतना अच्छा, शेयर करेंगे कैसे हम बताएंगे कि कृष्ण पतित पावन नहीं है परमात्मा है? क्योंकि वो तो जब कृष्ण होते हैं, जब कृष्ण बनते हैं तो वो तो ऑलरेडी पावन बन चुके हैं, पर उनको उसका प्रोसेस नहीं पता होता, वो भूल चुके हो जाते हैं, वहां पर जाकर सब भूल जाते हैं। जो बनने का प्रोसेस है वो तो अभी शिव बाबा ही आके हमें बताते हैं ना, कृष्ण खुद वो प्रोसेस भूल चुके होते हैं, तो इसलिए उनको नहीं कह सकते कि वो पतित पावन। अच्छा, तो ऐसे ये तो हमें पता है कि कृष्ण इस प्रोसेस से बने हैं ये, लेकिन एक आम जो ज्ञान में नहीं है, जो भक्ति में एकदम डूबे हुए हैं, वो तो यही सोचते हैं कि कृष्ण ही है वो अल्टीमेट। तो उनके लिए कुछ ऐसा मैसेज? मुझे लगता है कि थोड़ा सा जैसे निराकार पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात कर सकते हैं कि वो साकार में कोई भी आएगा तो वो मतलब पतित पावन हम जैसे आत्मा, क्योंकि दिख नहीं रही है, जो चीज दिख नहीं रही है वैसे ही परमात्मा भी दिखता नहीं है, तो वो थोड़ा सा देखो डाइजेस्ट करना मतलब किसी के लिए इजी नहीं होता है, मगर स्टिल मतलब फिजिकल फॉर्म में यदि आज अपने आप को भी देखें तो आत्मा ही जो है वो निराकार है, वो दिखती नहीं है, और वो परमात्मा है दिखता नहीं है। तो वो वहाँ अवतार की जरूर बात करते हैं, मगर मुझे निराकार से निराकार की कनेक्शन ज्यादा क्लियरली समझ में आती है, जो कि मैं मतलब बोल सकता हूँ। एक और पॉइंट बाबा ने बोला था कि आत्माओं के आगे लगता है देवताएं, पुण्य आत्माएं, पाप आत्माएं, तो आत्माएं जितनी भी होती हैं उनमें वैरायटी है, पर परमात्माएं कभी नहीं बोला जाता, परमात्मा एक ही है। तो ये पॉइंट सबसे ज्यादा टच करने वाला मुझे फील हुआ है कि किसी को भी ये सिद्ध करने में सबसे इजी हो जाता है कि आप देखिए देवताएं बोलते हैं मतलब उनकी बहुत सारी वैरायटी है, पर परमात्मा एक ही है, परमात्माएं कभी नहीं कहते। तो वहीं से क्लियर होता है कि देवात्मा और परमात्मा में कितना बड़ा डिफरेंस है। देवात्माएं बहुत हैं, पर परमात्मा एक ही है। Yes.
तो जैसे हाँ मतलब कि एक तरह से राम के लिए भी हम, राम भी हम पूज रहे हैं, मतलब एक मूर्ति के फॉर्म में कृष्ण को भी पूज रहे हैं वैसे, जैसे बोल रहे हैं बराबर है कि वो चार नहीं हो सकता, तीन नहीं हो सकता, वो एक ही है, बोला परमात्मा एक ही है, वो भी गुड पॉइंट। ये अच्छा पॉइंट है, थैंक यू सुनिया बहन। मुझे एक पॉइंट और लग रहा है कि कृष्णा पतित पावन इसलिए नहीं हो सकता है क्योंकि पतित पावन ऐसा क्वालिफिकेशन है जो कोई ऊंचते ऊंचे कर सकते हैं, जो परम आत्मा ही कर सकते हैं, और कृष्ण तो एक आत्मा है। और दूसरा, कृष्ण ने भी वो परमात्मा को पूजा किया था, इसका मतलब परमात्मा कृष्ण से ऊपर है। और जैसे पंडित लोग मंत्र पढ़ते हैं तब भी शिव परमात्मा नमः कहते हैं, कृष्ण को परमात्मा नहीं कहते, तो ये भी पॉइंट कह सकते हैं। हाँ थैंक यू हिमा दीदी। ओम शांति। एक पॉइंट हाँ ये भी हो सकता है कि जो हम भक्ति कर रहे हैं, यानी हिंदू, जो इंडियंस की बात करेंगे, लेकिन जो अदर कंट्रीज वाले हैं उनको कौन लिबरेट करेगा? उनको भी, उनका भी तो कोई लिबरेटर होगा ना। तो फिर क्या कृष्ण केवल हिंदुओं को ही लिबरेट करेगा? उनको कौन करेगा? इसका मतलब कृष्ण से भी ऊपर कोई और है जो सारी सृष्टि की आत्माओं को लिबरेट करने आता है, न कि केवल भारत की आत्माओं को लिबरेट करने आता है। जी बिल्कुल सही, यस करेक्ट करेक्ट क्योंकि ऐसे, लेकिन हिंदू में जो कृष्ण को जब मानते हैं तो वो इस कृष्ण का निराकार रूप भी मानते हैं और साकारी रूप कहते हैं कि लीला के लिए तो ये साकारी रूप लिया है, लेकिन वो है तो निराकार ही। तो कहीं ना कहीं निराकार को जब मानते हैं तो ये वाली चीज को हम पकड़ सकते हैं कि निराकार तो फिर कृष्ण ही क्यों? और कृष्ण, जैसे अभी कृष्णा बहन ने कहा कि कृष्ण का स्वरूप क्यों लिया फिर उस निराकार ने, कोई एक ऐसा स्वरूप जो कि सब धर्म मान्य होता वैसा स्वरूप लेना चाहिए था। तो कहीं ना कहीं हम ये निराकार वाली पॉइंट को समझा सकते हैं कि सब धर्म में निराकार ज्योति स्वरूप को माना जाता है, पूजा जाता है, तो कहीं वो कृष्ण के अलावा और कोई सुप्रीम सोल है जो लिबरेट करने आते हैं सबको। तो बाबा कह रहे हैं कि कृष्ण को पतित पावन नहीं कहा जाता है सिवाय परम पिता परमात्मा के, और कोई नाम नहीं लेंगे, गॉड फादर ही कहेंगे। सब उनको फादर कहते हैं, फिर उनको सर्वव्यापी कैसे कह सकते हैं? कहते हैं वह आते हैं लिबरेट करने के लिए, यह मनुष्य नहीं जानते, तो कल्प की आयु ही उल्टी लिखती है। अब बच्चों को यह ड्रिल करनी है, ज्ञान तो मिला हुआ है, जब जी ज्ञान तो मिला हुआ है, जब बैठते हो तो अपने को देही समझकर बाप को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। टीचर सामने बैठता है गद्दी पर, कल कल याद के ऊपर अच्छी मुरली थी ना, तो कल ऐसे ही थोड़ा मन में आया कि आखिर याद से जब हम परमात्मा को याद करते हैं तो वो क्या चेंजेस आता है आत्मा में, जिसको हम कह सकते हैं, बता सकते हैं किसी को कि फिर कैसे विकर्म विनाश होता है, वो क्या चेंजेस आता है, वो क्या केमिकल चेंज बोल लीजिए कि विकर्म हमारे विनाश होने लग जाते हैं, हमारे पाप नष्ट होने लग जाता है, वो क्या ऐसी बात होती है? कभी आपने किसी ने मंथन किया है इस चीज पे? कोई शेयर करेंगे क्या ऐसा होता है हमारे हमारी आत्मा में जो विकर्म विनाश होते हैं? मुझे आत्मा को लगता कि एक्चुअली रियलाइजेशन ही एक ऐसा उसमें घटना घटित होती है जिससे कि विकर्म विनाश होते, क्योंकि जैसे ही रियलाइज होता है तो जैसे लगता है कि वो चीज अपने आप पिघलनी शुरू हो जाती है, मतलब उसका अस्तित्व धीरे धीरे खत्म होता दिखा है कई ऐसी चीजों में कि बाबा के पास जब याद
बहुत स्ट्रांग होती जाती है, तो अपनी अंदर की बहुत सारी वृत्तियां, बहुत सारी चीजें जो कोई हमें ना कह सकता था ना बता सकता था, वो चीजें रियलाइज हो जाती हैं कि अच्छा ये चीज है मुझ में। और फिर जैसे ही वो पकड़ में आती है, तो ये भी देखा है कि बस वो पकड़ में आया और धीरे धीरे कॉन्शियसली वो चीज रिलीज हो जाती है। तो जो सबसे बड़ा मुझे दिखा है आज तक, वो दैट इज रियलाइजेशन, एंड वही परिवर्तन लाता है हर बार। तो सोनिया बहन, लेकिन रियलाइजेशन बिल्कुल तो अज्ञान मार्ग में भी होता है। बहुत बार ऐसा होता है कि हमसे कोई ऐसी गलती हो रही है, वही पापा ने बोला है कि तुम ये क्या किया, तो रियलाइज होता है, बहुत बार ऐसा होता है। हाँ एक बार बताए। मैंने मैंने इस चीज को ढूंढने का कोशिश किया था कि ऐसा क्या होता है कि जब मैं आत्मा बाबा को याद करती हूँ तो मेरे में ऐसा क्या चेंजेस आते हैं जिसकी वजह से मेरे मेरे वो चेंजेस कंटिन्यू रहते हैं। तो जैसे कि ऐसा विचार सागर मंथन चला था कि जब हम सोल कॉन्शियसनेस की अवस्था में बाबा को याद करते हैं, चूंकि 63 जन्मों के जो असत्य स्वरूप जो हमारा सामने आ रहा था, असत्य था 63 जन्मों का तो स्वरूप जो आत्मा का था, लेकिन जब सत्य स्वरूप का रियलाइजेशन हुआ, जैसे कि सोनिया बहन ने बोला, तो जो सत्य स्वरूप को रियलाइज करके मैं जब बाबा के याद में बैठती हूँ, तो चूंकि बाबा सागर है और मैं नदी हूं, तो एक लॉ ऑफ एंट्रोपी जैसे लागू होता है कि हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ अपना आप ही स्वतः ही चीजें प्रवाहित होती है। तो वो चूंकि वो सत्य का सागर है, और जब मैं आत्मिक स्थिति में बैठती हूँ, जब से बाबा बोलते हैं ना पहले खुद को रियलाइज करो फिर मुझे रियलाइज करो, यानी मुझसे जुड़ो, तो जब मैं ये चीज ये प्रोसेस को करती हूँ तो जो असत्य चीजें हैं मेरी आत्मा में, जो मेरे अभी 63 जन्मों के अभ्यास से चढ़ गई थी, जो विकार मुझ में घुस गए थे, अब वो विकार मेरे असत्य हैं, क्योंकि सत्य स्वरूप तो आत्मा का सातों गुण है। तो वो उस कंसंट्रेशन से वो योग अग्नि एक प्रज्वलित होती, योग भी एक अग्नि है, तो वो अग्नि प्रज्वलित होती है, और जहां भी अग्नि प्रज्वलित होती है वहां पे परिवर्तन होता है। तो वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जब बाबा की शक्तियां, बाबा का सत्य स्वरूप मेरे सत्य स्वरूप को टच करता है, तो बाबा का सत्य स्वरूप मेरे में भरने लगता है और असत्यता निकलने लगती है। जैसे कि हम कभी जैसे सूर्य की रोशनी को एक कांच से कंसंट्रेट करके और एक पेपर के ऊपर रखते हैं, तो पेपर स्वतः ही जलने लगता है, वैसे पेपर नहीं जलता, लेकिन जब उस किरणें कंसंट्रेट होती हैं और उस पेपर पर डलती हैं तब पेपर जलता है। तो ऐसे ही जब मैं आत्मिक स्वरूप में सेल्फ रियलाइजेशन करके बाबा को भी रियलाइज करके जब बैठती हूँ, तो वो जो किरणें आती हैं, वो जो योग अग्नि प्रज्वलित होती है, उससे मेरे विकर्म विनाश होते हैं, क्योंकि वो विकर्म है मेरे तो विनाश होते हैं, वो असत्यता है, और सत्यता की में असत्यता खत्म असत्यता होने लग टिक जाती है। नहीं सकती, टिक नहीं सकती, काफी समय तक टिक नहीं सकती, तो वो सत्य स्वरूप मेरा अपने आप ही अंदर से आने। जी बहुत अच्छा, थैंक यू कृष्णा बहन। इस चीज का भी हम सब मंथन करेंगे कि हम सबको क्या लगता है कि अंदर में क्या परिवर्तन आ रहा है जिससे विकर्म विनाश हो रहे हैं, और क्या विकर्म विनाश होने का अनुभव हो रहा है, कैसे होता है, ये सब आज हम मंथन करके लिखेंगे अपने अपने रियलाइजेशंस। जो मुझे लगता है, जी जैसे जो चक्रास की बात होती है उसपे भी बाबा का, जो जब हम कंसंट्रेट होके बैठते हैं तो बहुत असर होता है, और कहते हैं कि सूक्ष्म शरीर में ही हमारे सारे जो पाप कर्म का इम्प्रेशंस है, तो वो भी कहीं ना कहीं बाबा के इससे किरणों से वहां पे भी वर्किंग चलती है, जिसकी वजह से जो पाप के रूप में जो सूक्ष्म शरीर में जो हमारी किरणें हैं। सीमा बहन, क्वेश्चन ये था कि हमें कैसे पता चलता है कि विकर्म विनाश हो रहे हैं, बाबा अंदर मतलब क्या चेंजेस ऐसा आता है जिससे हमें लगे कि विकर्म विनाश हो रहे हैं। जब बाबा से हम योग लगाते हैं तो बाबा कहते हैं ना, मुझसे योग लगाओ, मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। तो व्हाट काइंड ऑफ चेंजेस, मतलब हाउ कैन वी फील दैट
वी आर हैविंग दोज चेंजेस, विकर्म विनाश हो रहे हैं हमारे अंदर, वो इसमें हम मंथन करके लिखेंगे अपना अपना अनुभव। आगे बढ़ते हैं। टीचर सामने बैठता है गद्दी पर तो शुभता है, कायदा है कि ड्रिल कराने के लिए टीचर जरूर चाहिए, कोई बड़ा टीचर तो कोई छोटा टीचर होता है। अब तुम्हारा इम्तिहान लेने की कोई दरकार नहीं, क्योंकि तुम खुद जानते हो कि हम कितना समय मोस्ट बिलवेड बाप को याद करते हैं। तो देखिए, अपने से तो गुप्त नहीं है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि हम कितना समय बाबा को याद करते हैं। ब्रह्मा कोई मोस्ट बिलवेड नहीं है, बिलवेड मोस्ट वह है जो सदा पावन है। तुम बच्चे जानते हो कि सबसे प्यारा कौन है, मनुष्य परमात्मा को ही याद करते हैं। हे दुखहर्ता सुखकर्ता, उसको लिब्रेटर भी कहते हैं, अर्थात दुखों से मुक्त करने वाला। तो बच्चों को अपना पुरुषार्थ करना है, ड्रामा प्लान अनुसार यह दुनिया पावन होनी है जरूर, और पावन दुनिया बनने ये ऊपर नहीं जा रहा है। श्वेता बेन, यह एक चीज और कैसे कह सकते हैं कि बिलेवड मोस्ट वह है सदा पावन, तो जो सदा पावन है वही आत्माओं को पावन बना सकता है ना। जो सदा पावन नहीं है, बीच बीच में वो पतित हो जाता है, तो वो कभी पावन बना ही नहीं सकता। इसीलिए बाबा सारी आत्माओं को पावन बनाते हैं। एक पॉइंट और, जैसे अपने अनुभव से ही कहूंगी कि देवताओं की भक्ति, जैसे कृष्ण भक्ति बहुत टाइम से करते आ रहे थे, तो मुझे मतलब मैं जब किसी से भी बाबा को डिस्कस करती हूँ तो मैं सबसे पहले अपना ही अनुभव शेयर करती हूँ कि मैं तो कब से ना उनकी बहुत स्ट्रॉन्ग सेवा ये सब बहुत किया था, पर कभी भी खुद में कोई परिवर्तन नहीं देखा था। लेकिन जैसे ही बाबा को जाना था और बाबा को समझा, पर गीता भी उधर पढ़ रहे थे, गीता में बहुत सारा कुछ तो बाबा का ही है, लेकिन कभी भी ये रियलाइजेशन ही नहीं था, समझ ही नहीं आया था, कोई समझा भी नहीं पाया था कि ये सारे जो चेंजेस हैं या ये कुछ भी जो कुछ भी हम पढ़ रहे हैं, दिस इज अबाउट मी। जैसे ही बाबा का ज्ञान छूता है आत्मा को, तो एकदम से जो ये रियलाइजेशन होता है कि ये तो मेरी ही बात है, ये पूरे भक्ति काल में कभी भी किसी को भी रियलाइज होता मैंने नहीं देखा कि ये हमारी बात है। तो ये भी एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट जो आया, वो ये हमेशा मतलब मैं भक्ति वालों को तो बहुत इजीली बता पाती हूँ कि आप इतने टाइम से भक्ति कर रहे हो या मैं भी इतने टाइम से भक्ति कर रही थी, पर चेंजेस क्या आए थे, व्हाट वाज द इफेक्ट ऑन अस। लेकिन जैसे ही बाबा मिला तो इतनी स्पीड से चेंजेस अपने अंदर देखे, तो ये भी एक बहुत बड़ी और ये रियलाइजेशन और कहीं नहीं हो पाता। हम भले कितना भी, एक होता है स्थूल रूप में बहुत सारे आप छोटी छोटी चीजें रियलाइज करते हो, चेंज करते हो, बट इतना सूक्ष्म में, जैसे अभी कृष्णा बहन ने इतना ब्यूटीफुली हम लोग को एक्सप्लेन किया कि इतने सूक्ष्म में जा करके तो कोई नहीं रियलाइज करा पाया, क्योंकि मैंने खुद बहुत सारे गुरुओं को धारण किया, बट इस तरह का रियलाइजेशन कहीं नहीं हुआ। राइट, क्योंकि आत्मा को बाबा टच करता है, जो बीज है उसी को बाबा टच करके हम जब उन्हीं से कनेक्ट होते हैं तो अंदर में बाबा से, बाबा की शक्ति फिर कार्य करने लगती है अंदर और हमारे में परिवर्तन आता है। मेन ये भी बात है कि हर जगह हमारी शक्तियां हमने खोई है, हमारे से शक्ति बाहर गई है, लेकिन अंदर आने का कोई सोर्स नहीं था कि बाहर से शक्ति हमारे अंदर आ रही है। यहाँ मेन बाबा की शक्ति हम पे वर्क करती है, शक्ति हम तक पहुंचती है, जिसके वजह से हम परिवर्तन ला पाते हैं। मुझे यही रियलाइज हुआ अपने जर्नी में कि वो शक्ति देने वाला कोई नहीं था, सब शक्ति छीनने वाले थे, देने वाला कोई नहीं था इतने दिनों तक। आगे बढ़ते, ड्रामा प्लान अनुसार यह दुनिया पावन होनी जरूर है, और पावन दुनिया बनने के लिए आग लगनी है। यह भी जानते हो आग कैसे लगेगी, विनाश होने बगैर दुनिया पावन बन नहीं सकेगी। यह है रुद्र ज्ञान यज्ञ, रुद्र और शिव
कोई फर्क नहीं है, परंतु शिव नाम है मुख्य। बाकी तो अपनी अपनी भाषा में अनेक नाम रख दिए हैं। असल नाम है शिव। शिव जयंती भी मनाते हैं, भारत में ही शिव जयंती मशहूर है। बेहद की बात की शिव जयंती है तो आते भी जरूर होंगे। शिव बाबा का नाम बाला है, ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग की स्थापना कराने वाला है, तो उस उच्चते उच्च बाप को याद करना है, करना पड़े। ब्रह्मा उच्चते उच्च नहीं है, वास्तव में ब्रह्मा उच्च से उच्च बनते हैं, फिर नीचे भी उतरते हैं। तुम बीके भी नीचे थे, अब उच्च बन रहे हो। एकदम उच्च बाप के घर चले जाएंगे। तुम इस समय त्रिकालदर्शी बन रहे हो। तुम खुद जानते हो कि हम ही स्वदर्शन चक्रधारी हैं। हम ब्रह्मांड और सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानने वाले हैं। ब्रह्मांड अर्थात ऊंच, जहां सभी आत्माएं निवास करती हैं। दुनिया में कोई और नहीं जो समझाए कि मूल वतन में आत्माएं रहती हैं। विश्व और ब्रह्मांड अलग अलग है। आत्माएं रहती हैं निर्वाण धाम में, जिसको शांति धाम कहा जाता है। वह सबको प्यारा लगता है। उसका असली नाम निर्वाण धाम व शांति धाम है। आत्मा का स्वरूप है शांत। एक शांति धाम, फिर है मूवी धाम, और यह है टॉकी धाम। मूवी धाम में जास्ती रहने का नहीं है। शांति धाम में तो बहुतों को रहना होता है, और कोई स्थान नहीं है। आत्मा जब बाप को और घर को याद करती है तो ऊपर से ऊपर में याद करती है। बीच के धाम को तो तुम्हारे सिवाय और कोई जानते नहीं। मनुष्यों को तो इतना ज्ञान है नहीं, सिर्फ कहते हैं ब्रह्मा विष्णु शंकर सूक्ष्म वतन में रहते हैं, बाकी उन्हों के ऑक्यूपेशन का पता नहीं है। 84 जन्म लेते हैं, ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा। यह है लीप युग, यह थोड़े समय का है, जैसे पुरुषोत्तम मास कहा जाता है। यह तुम्हारा हीरे जैसा उत्तम बनने का उच्च जन्म है। शूद्र से ब्राह्मण बनना सबसे उत्तम है। ब्राह्मण बनते हो तो दादे का वर्षा लेने के हकदार बनते। बाप बच्चों को कहते हैं, बच्चे सदैव मन मना भव। बाप का मैसेज सबको देते रहो। बाप को कहा ही जाता है मैसेंजर, और कोई भी मैसेंजर अथवा पैगंबर नहीं है। वह तो आकर अपना धर्म स्थापन करते हैं। पैगंबर सिर्फ एक है, वही आकर तुमको पवित्र बनने का पैगाम देते हैं। वह आते हैं धर्म स्थापन करने, जिसको लौकिक में जिसको हम लोग पैगंबर कहते हैं, कि परमात्मा का मैसेज लेके आया है। उनका काम ही धर्म स्थापन करने का होता है। उनका मैसेज भी अधूरा होता है। वह कोई वापस ले जाने वाले गाइड नहीं है। वह तो एक ही सद्गुरु सदगति देने वाला है, सच बोलने वाला, सच्चा रास्ता बताने वाला। तो एक ही परमपिता परमात्मा शिव है। तो बहुत गुप्त मेहनत करनी है बच्चों को। अभी तुम जानते हो कि हमको यह देह भूलकर एक बाप को याद करना है। शरीर छूटा तो सारी दुनिया छूट जाती है, आत्मा अकेली बन जाती है। बाप कहते हैं देही अभिमानी बनो तो फिर कोई भी मित्र संबंधी याद नहीं पड़ेंगे। हम आत्मा है,
हम चले जाएंगे बाप के पास। बाप राय देते हैं कि तुम मेरे पास कैसे आ सकते हो। यह बाबा भी नामी ग्रामी है। इन द्वारा बाप सभी आत्माओं का गाइड बन मच्छरों सदृश वापस ले जाते हैं। यह यथार्थ ज्ञान सिर्फ तुम बच्चों की बुद्धि में है। तुमको पांडव सेना भी कहते हैं। पांडव पति स्वयं साक्षात परम पिता परमात्मा है, जो तुम बच्चों को ड्रिल सिखला रहे हैं हूबहू कल पहले मुआफिक। जब विनाश होगा तो सब आत्माएं शरीर छोड़ चली जाएंगी। सतयुग में जब थोड़ी आत्माएं हैं तो एक राज्य है। अभी अनेक हैं, फिर जरूर एक होगा। यह ज्ञान सारा दिन बुद्धि में सिमरन करना है, बच्चों को प्रदर्शनी पर भी समझाना है। जब न्यू दिल्ली थी तो नया भारत था। एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म था। आदि सनातन कोई हिंदू धर्म नहीं था। हम ब्राह्मण सो देवता बनते हैं, यह और धर्म वाले मानेंगे नहीं। जो पहले आते हैं वही 84 जन्म लेते हैं। यह है बिल्कुल सहज समझने की बातें। अब तुम बच्चों की बुद्धि में है कि अब नाटक पूरा होता है। सभी एक्टर्स आ गए हैं, 84 जन्म पूरे किए, अब फिर घर चलना है, क्योंकि बहुत थक गए हो। भक्ति मार्ग है ही थकने का मार्ग। बाप कहते हैं अब मेरे को याद करो, औरों को भी पैगाम दो कि देह सहित देह के सब धर्म छोड़ अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। अशरीरी बनो तो पावन बन जाएंगे, क्योंकि अब वापस घर चलना है, मौत सामने खड़ा है। तो क्या बाबा ही सिर्फ पैगंबर है कि हम आत्माएं भी सच्चे सच्चे पैगंबर हैं? और हम आत्माओं को क्या पैगाम देना है बताएंगे श्रीधर भाई? आज श्रीधर भाई नहीं बोल रहे हैं। श्रीधर भाई बताइए हमें क्या पैगाम देना है सभी आत्माओं को। ओम शांति। सभी सभी आत्माओं को यही बोलना है कि सिर्फ बाप को याद करना है, किसी और को नहीं। बाप कौन है? शिव बाबा है ना, परमपिता परमात्मा को याद करना है। तो क्या होगा उससे? से हमारा हाँ, हम प्योर बनते हैं और हमारा विकर्म विनाश होता है और हमें घर जाना है ना, इसलिए अब बाबा को याद करना है। ओके, थैंक यू। यहाँ भी बच्चे बाप के पास सम्मुख रिफ्रेश होने आते हैं। बाप सम्मुख बच्चों को समझाते हैं कि बच्चे देह अभिमान छोड़ मामेकम याद करो। यह पुरानी दुनिया अब खत्म होनी है। तुम एक बाप को याद कर पवित्र बनेंगे तो पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। अगर मेहनत नहीं करेंगे तो फल भी नहीं मिलेगा, फिर सजा खानी पड़ेगी। बाप कहते हैं कि अपनी कमाई जमा करते रहो और दूसरों को भी निमंत्रण दो। बाप का रास्ता भी बताओ। तुम बच्चों को भी कल्याणकारी बनना है, अपने मित्र संबंधियों का भी कल्याण करना है। यहाँ तुमको देही अभिमानी बनाया जाता है। महामंत्र देते हैं, प्राचीन योग बाप ने ही आकर सिखाया था, जिसके लिए ही गाया जाता है, योग अग्नि से पाप दग्ध हो जाएंगे। कल पहले भी यही इशारा मिला था। बाप इशारा देते हैं कि अपने को आत्मा समझ
मुझे याद करो, रहो भल अपने गृहस्थ व्यवहार में। गाया हुआ है कि शरण पड़ी मैं तेरे। यह भी होता है जब कोई दुखी होते हैं तो उच्च ताकत वाले की जाए शरण लेते हैं। यहाँ तो प्रैक्टिकल में है, जब बहुत दुख देते हैं, सहन नहीं कर सकते हैं, लाचार होते हैं तो फिर भाग कर आए बाप की शरण लेते हैं। सदगति तो सिवाय बाप के कोई दे न सके। बच्चे जानते हैं कि पुरानी दुनिया विनाश होनी है, तैयारी हो रही है इस तरफ, तुम्हारे स्थापना की तैयारी और उस तरफ विनाश की तैयारी। स्थापना हो गई तो विनाश भी जरूर होना है। तुम जानते हो कि बाबा आया हुआ है स्थापना कराने, इन द्वारा वर्षा भी जरूर मिलेगा। बाकी प्रेरणा से थोड़ी काम चलता है। टीचर को कहेंगे क्या कि हम आपकी प्रेरणा से, हम आपकी प्रेरणा से पढ़ लेंगे? प्रेरणा से अगर सब कुछ होता तो शिव जयंती क्यों मनाई जाती? प्रेरणा से करने वाले की तो शिव जयंती मनाने की दरकार नहीं है। जयंती तो सभी आत्माओं की होती है। आत्माएं जब जीव में आती है, आत्मा और शरीर जब मिलते हैं तो पार्ट बजाते हैं। आत्मा का तो स्वधर्म है शांत, उनमें ही नॉलेज धारण होती है। आत्मा ही अच्छा बुरा संस्कार ले जाती है। बाप तो स्वर्ग का रचयिता है, वहां तो पवित्रता ही है, अपवित्रता का नाम निशान नहीं है। यह है विषय सागर, कितना क्लियर समझाया जाता है तो भी किसकी बुद्धि में नहीं आता। परंतु तुम किसको भी दोष नहीं देते हो, ड्रामा के बंधन में सब बांधे हुए। तो बाबा कह रहे हैं कि ड्रामा के बंधन में सब बांधे हुए हैं, हमको किसी को भी दोष नहीं देना है। लेकिन हम क्या अभी तक हमारा ऐसा पुरुषार्थ हुआ है कि आत्माओं के विपरीत हमारे रिएक्शंस देख के भी हम स्टेबल रह जाते हैं, ड्रामा पे सौंप देते हैं और हम अनअफेक्टेड नहीं होते हैं? क्या ऐसा होता है पुरुषार्थ हमारा? क्या ऐसी स्थिति आ गई है? वो शेयर करेंगे अपना अनुभव? नहीं, शुरू में हमको लगता था, नहीं शुरू में लगता था कि नहीं समझ रहे हैं, हमको समझ आ गई है, मगर अभी धीरे 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 जैसे जैसे हम सुनते हैं और समझ रहे हैं चीजों को, और अंडरस्टैंडिंग भी आ रही है कि हर आत्मा का अपना पार्ट है। जैसे स्टार्टिंग में ये चल रहा था तो मेरे को मंथन में ये चल रहा था कि हम बोल तो रहे हैं कि पतित पावन आया हुआ है, मगर क्यों रियलाइज नहीं हो रहा है किसी और को? हम ये बोल रहे हैं कि मतलब रियलाइजेशन हर एक आत्मा को होता है, तो एक आत्मा को हो रहा है, पतित पावन तो हर समय अवेलेबल है, मगर एक आत्मा को हो रहा है, एक को नहीं हो रहा है। तो वो इतनी यूनिकनेस है, इतना मतलब ड्रामा का जो हर जो पाठधारी है, मुझे वही लगता है जैसे हम मूवी देखते हैं तो हर एक पाठधारी, मतलब हम एक ये नहीं बोल सकते कि वो संतरी है या वो ऐसा है, वो मतलब चाहे वो कोई सामान ढो रहा है, तो मतलब हर एक का एक अपना अपना पार्ट है। किसका किसका क्या पार्ट है वो मतलब बाबा ड्रामा में हमको, हाँ जी, तो हाँ, तो वो अंडरस्टैंडिंग आज हमको आ रही है। राजेश भाई आप शेयर करेंगे ड्रामा का, कितना हम ड्रामा को यूज करते हैं सारे दिनचर्या में हम कार्य करते। राजेश भाई शेयर, हर्षिता बहन, ओम शांति। हर्षिता बहन हेलो, हाँ ओम शांति बताइए। जैसे बाबा ने अभी कहा कि हम किसी को दोष नहीं देंगे,
क्योंकि ड्रामा के बंधन में सब बांधे हुए हैं। दी जब हम ड्रामा के पार्ट को देखते हैं तो हमारे अंदर साक्षी दृष्टा वाला पार्ट है ना, वो ऑटोमेटिक आ जाता है, हम साक्षी हो जाते हैं। जो मेरा पर्सनल है, मुझे लगता है कि ठीक है ना, इट्स ओके, दे आर प्लेइंग देयर पार्ट, मतलब वो डिटैच हो जाते हैं। अदरवाइज हमें डिटैच उस, जैसे मेरी माँ मेरे उनसे उस पार्ट से इतना अटैच हुए होते हैं ना कि वो आत्मा हिली वो हो जाती है। लेकिन जब ये ड्रामा का पार्ट होता है उससे डिटैचमेंट बहुत इजी हो जाता है मेरा। क्या हम उसे टाइम पर समय पर यूज कर पाते हैं? मोस्ट ऑफ द टाइम यूज कर लेते हैं, लेकिन कुछ टाइम ऐसा होता है कि हम इतना इन्वॉल्व हो जाते हुए होते हैं तो नहीं कर पाते। तो क्या ऐसा पुरुषार्थ हम करें जो हमें समय पे, क्योंकि बाबा ने 1969 की मुरली पे कहा था कि समय पे याद आ जाना, ज्ञान का पॉइंट याद आ जाना, वही तीव्र पुरुषार्थ है। तो कैसे हम उसके लिए, बाबा बोलता है मुरलियों का जितना ज्ञान की शक्ति जितनी होगी ना, वो उतनी ज्यादा पॉइंट हमें ऑन द स्पॉट याद रहेंगे। मुरलियों का मंथन जितनी, क्योंकि मैंने सेंटर पे रहे हैं तो हम सेंटर पे भी जितना भी बड़ी दीदियों को देखा, जितना भी उनको अनुभव देखा है, स्टडीज इतनी स्टडीज करते हैं वह बड़ी बड़ी दीदियों और सब। तो मैं लगता है सिर्फ ज्ञान का सारी यही है कि आपको स्टडीज, स्टडी, एक स्टूडेंट। आपको टीचर बनने का मतलब ये नहीं है कि आप एक टीचर की ऑथोरिटी पे हो, टीचर का मतलब ये है कि आप टॉप स्टूडेंट की लिस्ट में हो और आपको और ज्यादा पढ़ाई करनी है अब अंत समय तक। थैंक यू देवनंदा बहन, आप कुछ शेयर करेंगे ड्रामा को हम कैसे यूज करते हैं? हाँ, ओम शांति। इसका बहुत बड़ा उदाहरण जो मैं देखती हूँ और बहुत कुछ साक्षी होकर के देखने की भी वो करती हूँ कि जिस जगह पे मैं काम कर रही हूँ, जिस यूनिवर्सिटी में, वहाँ नियम है कि मेडिकल स्टूडेंट हो चाहे जो भी कर्मचारी हो, अपने अपने ग्रुप में सुबह सुबह ये मंत्र बोल करके ही अपना काम शुरू करते हैं। और ये मंत्र है जो गीत है, हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करें, दूसरों के जय से पहले खुद को जय करें। ये पूरा जो वो है गीत है वो सारा, मतलब कहीं ना कहीं ये पूरा भक्ति में नहीं है, ये मेरे को भक्ति और ज्ञान के बीच की लाइन है। मतलब वो आत्माएं अपने में शक्ति भर रही हैं, वो एक परमात्मा को, और कभी भी हम लोगों का कुछ भी होता है तो वहां पर परमात्मा को याद किया जाता है और किसी भगवान का वहां पर कोई मतलब आकारी किसी देवी देवता का उस पूरे यूनिवर्सिटी में कहीं पर भी कुछ नहीं है, एक परमात्मा को याद करते हैं। और जिन्होंने इस यूनिवर्सिटी को किया उनको निमित्त मानते परमात्मा का, संदेश वाहक उन्होंने किया। और लेकिन बस डिफरेंस ये है कि वहां बोलते हैं हम, उसमें जो भी बोलते हैं उसमें कि हम सब में निहित परमात्मा, तो वो थोड़ा कॉन्ट्राडिक्ट जो उनकी समझ है। और हमारे में बहुत लोग उसमें आ गए हैं बाबा के ज्ञान में और वो इस चीज को महसूस भी करने लगे कि हम सब में निहित परमात्मा नहीं है, परमात्मा तो एक ही है। तो यही है कि मतलब यहाँ मुझे लगता है कि हाँ, कुछ लोग बीच वाले मतलब थोड़ा सीढ़ी से ऊपर चढ़ गए हैं लेकिन अभी उन्हें पूरे रास्ते का पता नहीं है। तो वहाँ हमारा रोल है कि हम बाबा के वही पैगंबर, बाबा ने आज कहा ना कि सच्चे सच्चे मैसेंजर तो हम हैं। हाँ हाँ, को दोष नहीं देंगे क्योंकि उनके ड्रामा में वही पार्ट है उनका और आप मैसेंजर है वहां पे, है ना। और कोई शेयर करेंगे? जितना बहन जितना बहन आप हो क्या? ओम शांति। सीता दीदी, और कोई शेयर करेंगे ड्रामा को कैसे हम यूज करते हैं? शुक्रबेन, ताकि हम एक पॉइंट ऐड करूंगी। हाँ जी, जैसे जब ड्रामा का सीन आता है तो
हमारा उस समय का जो स्थिति है उसके हिसाब से हम ड्रामा का सीन को इंटरप्रेट कर लेते हैं। तो मुझे जो एक्सपीरियंस से समझ आया कि कोई भी ड्रामा का सीन जो मेरे सामने आ रहा है उसको सबसे पहले हमें अटेंशन के साथ देखना पड़ेगा कि उसके साथ ड्रामा के सीन के साथ हमने माया को तो नहीं जोड़ दिया है, माया तो नहीं जुड़ी हुई है। और फिर माया को अलग करना जरूरी है, क्योंकि माया जब आती है उस ड्रामा के सीन में, हम ड्रामा का सीन जिस तरफ फ्लो कर रहे हैं उसके ऑपोजिट की तरफ फ्लो करने लग जाते हैं। सपोज कहीं हमें जाना नहीं है और हम जाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे करते हैं और हलचल में भी आ जाते हैं। तो अगर हम वो पहचान ले कि ये माया इन्वॉल्व है इस ड्रामा के सीन में, तो शायद हम ड्रामा को प्रॉपर यूज करके जिस तरफ ड्रामा फ्लो कर रहा है उस तरफ हम चल सकते हैं इसी। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे पॉइंट आपने बताया कि ड्रामा में बहुत सूक्ष्म है ये बात कि ड्रामा की सीन में माया तो रहती है, वो तो उसके साथ अटैच है ही, लेकिन जब बाबा ने हमें समझ दिया है रियलाइजेशन की जो हम बात कर रहे हैं अभी, तो वो वहां माया को रियलाइज करना बहुत जरूरी है। और वो होगा इसी से ही कि हम देह अभिमान में है या देही अभिमानी है, ये जो महीन डिफरेंस है ना, सिल्वर लाइनिंग यही पे है कि हम उस वक्त देह अभिमान में है या देही अभिमानी। देही अभिमानी को अगर हम वहां ले आते हैं, अपने को तुरंत से देही अभिमानी हम समझते हैं, अगर याद आ जाता है हमें कि नहीं मैं तो एक आत्मा हूँ, आत्मा को याद करते ही सब चीज उसके साथ साथ आने लग जाती है, परमात्मा, उनका ज्ञान, समझ, कैसे हमें ये ड्रामा की सीन को देख के अपने को उससे डिटैच रखना है, साक्षी भाव, ताकि हम वहां पे ड्रामा की सीन के साथ बह नहीं जाए, वहां स्टेबल रह के हम उस सीन को डिटैच होके देखेंगे तो सब चीज ऑटोमेटिकली हमारा जो डिसीजन है बोल लीजिए या फिर हमारा स्टेबिलिटी सब कायम रहेगा, सही डिसीजन हम ले पाएंगे। बिल्कुल, जैसे एक दिन मंथन करने में मुझे यही लगा था कि अगर अंदर एंजाइटी आ रही है किसी भी सीन को देख के, अगर हम अंदर में एंजाइटी क्रिएट कर रहे हैं, एंशियस हो रहे हैं, बहुत हमें कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, तो इसका मतलब हम ड्रामा के सीन के साथ नहीं है, क्योंकि ड्रामा ने जब वो सीन लेके आया है तो वो बिल्कुल नॉर्मल है, उसके अंदर ड्रामा में कोई एंजाइटी नहीं आई है, कोई उसके अंदर कोई गुस्सा, कोई चिड़चिड़ापन नहीं आया है, वो बिल्कुल एकदम स्टेबल है। तो वैसे ही बिल्कुल स्टेबल रह के ड्रामा की सीन को देखना, ये ड्रामा की पटरी पे चलना, मुझे ऐसा अनुभव हुआ था जो कि मैं बार बार यूज भी करती हूँ अब। कभी कभी एंजाइटी बहुत अच्छे के लिए भी हो जाती है, बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, वो भी मुझे लगता है कि वो भी स्पाइक हो जाता है ऊपर। तो आई थिंक वो जो स्टेबिलिटी आप बोल रहे हो वो सही है कि ना नेगेटिव में या ना बहुत पॉजिटिव में, ना बहुत पॉजिटिव में, जिसे बाबा कहते हैं मान अपमान, निंदा स्तुति, ना लाभ दोनों में, सब right. में स्टेबल रहें। राइट 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 करेक्ट, यस थैंक यू। संदीप भाई, यहाँ पे मैं एक मेडिकल साइंस का थोड़ा सा वो ऐड करना चाहती हूँ कि जो हार्ट पेशेंट होते हैं ना, जो जिनका हार्ट थोड़ा सा मतलब कहते हैं कार्डियक प्रॉब्लम है, उनको यही कहा सेंसिटिव, हाँ, उनको यही कहा जाता है, उनसे ना ज्यादा खुशी सहन होती है ना उनसे ज्यादा दुख सहन होता है, तो वो स्टेबल, वो मतलब ये बहुत बड़ी बाबा की बात समझ में आती है कि हमें कैसे इन बिटवीन रहना है, कोहेरेंस में रहना है जैसे कहते हैं ना वो, क्योंकि मेरे सामने बहुत सारे एग्जाम्पल्स हुए हैं कि पेशेंट ठीक हो गया, कार्डियक अरेस्ट हुआ, ठीक हो गया, बहुत अच्छा हो गया, सब कुछ बढ़िया चलने लगा, मेरी ड्यूटी थी 2-3 दिन तक सेम डे मेरी ड्यूटी चलती रही, एक दिन उसका उसके भाई मिलने आए और वो बहुत खुशी से मिलने आए, और जैसे ही वो उनसे मिला और एकदम से कार्डियक अरेस्ट हुआ और एक्सपायर हो गया। ओके, हमने भी सुने हैं इस तरह से, सही बोल रहे हैं आप दीदी। हाँ, खुशी देखा और दुख दोनों ही मतलब कहते हैं ना, बाबा कहता मान अपमान में समान रहो। तो हाँ, शरीर की बात हुई, क्योंकि माया एंटर कर जाती है जहां हम जरूर से ज्यादा ना, जो दीदी ने उस दिन बताया था पेंडुलम, बीच का जो पोजीशन है वो स्टेबल है, और स्टेबल है राइट जाना और लेफ्ट जाना दोनों ही
में माया प्रवेश कर जाती है और अब मेरा मतलब वही रहे एम कि हमें बीच की पोजीशन में रहना है। हाँ जी, एक लेमैन के लिए समझने के लिए बहुत अच्छा बाबा ने एक बार आंसर दिया था कि एकदम बहुत ज्ञान में डीप नहीं हो तो उनको कैसे ड्रामा को क्लियर करें, तो उसमें यही था कि ड्रामा को मदर के रूप में, वैसे भी माँ ही बोलते हैं उसको, तो उसको मदर के रूप में अगर देखो तो लास्ट में माँ आता है ना, तो मदर क्या होती है, मदर बहुत स्ट्रिक्ट होती है, मदर बहुत रिस्ट्रिक्शंस लगाती है, तो बच्चे को मदर हमेशा ही नॉर्मल 99% वो लगती है, मतलब ना कि कंफर्टेबल नहीं हूँ मैं इनके साथ। एंड जैसे जैसे वो बड़ा होता है, जैसे जैसे उसको समझ आता है कि उनकी स्ट्रिक्टनेस या उन्होंने जो कुछ भी मेरे साथ रखा, मेरे को संस्कारों में रखा या कुछ, फाइनली मुझे वो अब पे कर रहा है, जब उसको पे बैक शुरू होता है देन दैट चाइल्ड रियलाइजेस कि माँ ना होती ना, उन्होंने अगर ये सारी चीजें मेरे साथ ना करी होती तो आज जो मुझे ये मिल रहा है व्हाटएवर आई एम गेनिंग वो नहीं हो पाता, चाहे वो पढ़ाई संस्कार है, बहुत सारी चीजों का बहुत देर से रियलाइजेशन होता है, हम सभी को होगा इसका रियलाइजेशन। तो द सेम वे ड्रामा इज देयर कि अगर तो मैं उसको देख रही होती हूँ कि ये तो मुझे बहुत कुछ दे रहा है तो ना थोड़ा डरते हैं, थोड़ा सहमते हैं, थोड़ा उससे इरिटेट भी होते हैं, बट अगर ये बात बुद्धि में बैठ जाती है कि एक एक सेकंड वो मुझे तराश रहा है, वो मुझे तराश रही है माँ मेरी, तो वो जैसे ही रियलाइजेशन होता है कि हर मोमेंट जो चीज आ रही है, चाहे वो कठिन आ रही है, चाहे वो सहज आ रही है, बट इट इज ओनली बिल्डिंग मी, वो मुझे बिल्डअप कर रही है, तो मैंने खुद में ये परिवर्तन देखा है। और लेमैन के लिए आसान हो जाता है ये बात समझना कि हाँ ये पॉइंट तो है, फिर उनको खुद रियलाइज मुझे भी होता है कि देखो ये सिचुएशन आई थी उससे तो मैंने, मेरे में ये इम्प्रूवमेंट आ ही गया, फाइनली मैं इस चीज में मैच्योर हुई, मैं इस चीज में चेंज हुई। तो ड्रामा को अगर मदर के रूप में लेते तो जैसे गाना भी हमेशा या किसी भी चीज में होता है माँ तो पिता होती, तो माँ हमेशा पहले होती है फिर पिता, तो वैसे शिव बाबा ने भी हमेशा ड्रामा को आगे रखा, तो अगर उनको भी युगल रूप में देखे तो ड्रामा जो है मदर है और शिव बाबा उसके पीछे खड़ा रहता है, हमेशा उसको ही आगे करता है कि बच्चे ड्रामा के पीछे तो मैं भी बधायमान हूँ, लाइक फादर लोग कहते हैं बेटा मम्मा से पूछो फिर तो मैं कर ही दूंगा, तो वो वाली रियलाइजेशन मुझे बहुत होती है मदर एंड फादर वाली, ड्रामा एंड शिव बाबा से। थैंक यू बाबा। हाँ बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, थैंक यू सुनिया बहन, ये मुझे लगता है कि सब अंदर तक चला गया हमारे भी ये पॉइंट कि ड्रामा को कैसे हम रखेंगे, कैसे माँ देखेंगे, कैसे वो हमें सिखा रही है, जो बाबा कहते हैं ना अकल्याण के पर्दे के पीछे भी कल्याण छुपा है, ये बहुत आज क्लियरली समझ में आया। आगे बढ़ते, तुम समझते हो सीढ़ी से ऊपर से नीचे उतर आए हैं, ड्रामा अनुसार हमको उतरना ही है, फिर बाप कहते हैं अब चढ़ने के लिए पुरुषार्थ करना है, परंतु जिनकी तकदीर में नहीं है वह ऐसे कहते हैं, जो ऐसे कहते हैं उनसे समझ जाते हैं कि इनकी तकदीर में नहीं है, दो चार वर्ष चलते चलते फिर गिर पड़ते हैं, महसूस भी करते हैं कि हमने बड़ी भूल की है, बड़ी चोट खाई है, यह भी आधा कल्प की बीमारी है, कम नहीं है, आधा कल्प के रोगी हैं, भोगी बनने से रोगी बन जाते हैं, तो बाप आकर पुरुषार्थ करवाते हैं, कृष्ण को योगेश्वर कहते हैं, इस समय तुम सच्चे सच्चे योगी हो, योगेश्वर तुमको योग सिखलाते हैं। तो क्या हम यहां समझे कि कृष्ण हमको योग सिखलाते हैं, बाबा कह रहे हैं कि कृष्ण को योगेश्वर कहते हैं, इस समय तुम सच्चे सच्चे योगी हो, योगेश्वर तुमको योग सिखलाते हैं। तो क्या कृष्ण की आत्मा हमको योग सिखलाती है? ओम शांति। ब्रह्मा बाबा ही तो सबसे बड़े योगेश्वर बने, तो ब्रह्मा बाबा ने ही तो हमें सब योग की विधि, बाबा ने जो, बाबा जो सिखा रहे हैं उसका साक्षात स्वरूप तो ब्रह्मा बाबा ही हमारे साथ। तो ब्रह्मा बाबा हमें सिखा रहे हैं योग, ब्रह्मा बाबा हमें योग सिखला रहे हैं क्या? हाँ, एक तरह से मुझे लगता है कि सैंपल में बोल सकते हैं हम कि वैसा उनको देख के, क्योंकि आज हमें
निराकार को डायरेक्टली फॉलो करना आसान नहीं होता है, तो वो जो सैंपल उनके थ्रू ही बना है, तो वो योगेश्वर ब्रह्मा बाबा की जो आत्मा तो वो कृष्ण की है, तो वो मुझे लगता है कि इजी हो जाता है योग लगाना। हाँ। वो कर सकते हैं, हम भी कर सकते हैं, भाई भाई की दृष्टि, मतलब भाई है हमारा एक तरह से, बड़े भाई हैं, वैसा इजी हो जाता है मतलब वो करना जो वो कर पा रहे हैं, क्योंकि शिव बाबा तो किसी से योग लगाएंगे नहीं, योग तो ब्रह्मा हम ही लगाते हैं बच्चे, और हम बच्चों में सबसे नंबर वन ब्रह्मा बाबा ने योग लगाया, तो उन जैसे बाबा कहते हैं फादर, तो हाँ, और सेंटेंस 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 ये है कि तुमको योग सिखलाते हैं, तो वो हमको सिखलाते हैं, योग लगाना तो बाबा से ही है, शिव बाबा से ही है, मगर सिखलाते हैं मतलब उनके थ्रू, जैसे वो कर पा रहे हैं तो वो हम भी कर पा रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। हाँ राइट, क्योंकि वो ही है ना, मतलब इनके नक्शे कदम पे चलना है। यस यस यस, ब्रह्मा बाबा, योगेश्वर ब्रह्मा बाबा ने जैसे शिव बाबा से योग लगाया और वो नंबर वन ने, वैसे ही हम भी वो देख के उनसे सीखे सीख रहे हैं। यस शिव बाबा से योग लगाना, राइट राइट। तुम ज्ञान ज्ञानेश्वर भी हो, फिर बनेंगे राज राजेश्वर, ज्ञान से तुम धनवान बनते हो, योग से निरोगी एवर हेल्दी बनते हो, आधा कल्प के लिए तुम्हारे सब दुख दूर हो जाते हैं, तो इसके लिए कितना पुरुषार्थ करना चाहिए। अच्छा, ये इसको ऊपर करिए, मीठे मीठे सिकल से, मीठे मीठे सिकल दे बच्चों प्रति, बच्चों प्रति माँ पिता बाप दादा याद प्यार, और रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, सब रूहानी बच्चों की रूहानी माँ बाप दादा शुक्रिया बाबा, दो मिनट हम बाप दादा की याद में बैठेंगे। मुख्य सार धारणा के लिए मुख्य सार है, पावन बनने के लिए अशरीरी बनने का अभ्यास करना है, सबको पैगाम देना है कि एक बाप को याद करो, देह सहित सब कुछ भूल जाओ, योगेश्वर बाप से योग सीख कर सच्चा सच्चा योगी बनना है, ज्ञान से धनवान और योग से निरोगी एवर हेल्दी बनना है। आज का वरदान बाबा से लेते हैं। बाबा कह रहे हैं, कल्याण की वृत्ति और शुभ चिंतक भाव द्वारा विश्व कल्याण के निमित्त बनने वाले तीव्र पुरुषार्थी भाव, कल्याण की वृत्ति और शुभ चिंतक भाव द्वारा विश्व कल्याण के निमित्त बनने वाले तीव्र पुरुषार्थी भाव। तीव्र पुरुषार्थी वह है जो सभी के प्रति कल्याण की वृत्ति और शुभ चिंतक भाव रखे, भल कोई बार बार गिराने की कोशिश करे, मन को डगमग करे, विघ्न रूप बने, फिर भी आपका उसके प्रति सदा सदा शुभ चिंतक का अडोल भाव हो, बात के कारण भाव न बदले, हर परिस्थिति में वृत्ति और भाव यथार्थ हो, तो उसके ऊपर उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा, फिर कोई भी व्यर्थ बातें देखने में नहीं आएंगी, टाइम बच जाएगा, यही है विश्व कल्याणकारी स्टेज। देखिए, ड्रामा का जो अभी हमने डिस्कशन किया वो भी यहाँ लागू होगा, कि जैसे सोनिया बहन ने कहा था कि कोई भी बात जो आ रही है वो हमारे कल्याण के लिए आ रही है, जब हम ये सोचेंगे तो ऑटोमेटिकली सामने वाले के लिए हमारे मन में शुभ भावना निकलेगी, हम शुभ चिंतक बनेंगे और उसी से ही हमारा स्व कल्याण होगा।
और स्व कल्याण हो जब कर रहे हैं तो ऑब्वियस है कि विश्व कल्याण हो ही जाएगा। कोई कुछ भी डगमग कर रहे करने के लिए आ रहा है, गिराने के लिए आ रहा है, विघ्न रूप बन रहा है, लेकिन उसके पीछे का मैकेनिज्म जो चल रहा है वो यही है कि हमें वो शक्तिशाली बना रहा है। ड्रामा का वो सीन हमारे में शक्ति, हमारे में गुण, हमारे में परिवर्तन, जो पॉजिटिव परिवर्तन है वो लाने के लिए आ रहा है। तो यही चीज हमें शुभ चिंतक बना देगा, अचल अडोल बना देगा। स्लोगन है आज का, संतुष्टता जीवन का श्रृंगार है, इसलिए संतुष्ट मणि बन संतुष्ट रहो और सर्व को संतुष्ट करो। अच्छा, 2 मिनट हम